मेरे सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। मैं प्रदीप नेगी आज आप लोगों को दीक्षा में जो ऑनलाइन प्रशिक्षण चल रहा है उसमें आज हम जो एक कोर्स में सबसे ज़्यादा हमारे शिक्षक भाइयों को जो समस्या आ रही है वो है हमारा जो अभी नया कोर्स हमने अपलोड किया है वो है हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा एक्शन रिसर्च। क्योंकि यह कोर्स अंग्रेजी में है और इस कोर्स के अंतर्गत काफ़ी सारे मॉड्यूल हैं और ये 10 घंटे का कोर्स है और इस कोर्स में बहुत सारी एक्टिविटी है। जैसे आप देख रहे हैं मैंने यह पूरा कंप्लीट कर लिया है, लेकिन हम किसी एक्टिविटी को देखेंगे तो बहुत सारी एक्टिविटी जिसमें हमारे टीचर्स भाइयों को परेशानी आ रही है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज इस वाले मॉड्यूल में कुछ शिक्षकों की मदद करने के लिए हमने कुछ मॉड्यूल के आंसर आप लोगों को मैं प्रेषित कर रहा हूँ। तो आप लोग भी उस आंसर्स को देखकर कुछ कंटेंट को समझने की कोशिश करें और इसमें जो हमारा लास्ट वाला जो अटैम्प्ट है असेसमेंट, इसमें आपको उन क्वेश्चन को देखकर कुछ मदद मिल सकती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से इस वाले जो एक्शन रिसर्च जो मॉड्यूल है जो हमारा कोर्स है उसको हल करने में मदद मिलेगी। चलो आओ चल के देखते हैं कि इसे कैसे करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिप्रेजेंट द एवरेज ऑफ द नंबर्स, तो इसका आंसर होगा मीन। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। सैम्पल टूल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आर इंक्लूडिंग इन विच पार्ट ऑफ एक्शन रिसर्च, सिंपल का आंसर होगा मैथोलॉजी। सिंपल टूल्स एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आर इंक्लूड इन विच पार्ट ऑफ एक्शन रिसर्च, तो इसका आंसर हम चुन लेते हैं मैथोडोलॉजी। अब आगे जाते हैं हम। ए डैश इज रिसर्च अप्रोच दैट इज यूज टू जनरेट एन इन डेप्थ मल्टी फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इशूज इन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, तो इसका आंसर हम ले लेते हैं केस स्टडी। Which one is not an example of quantitative data? तो इसका आंसर हम ले लेंगे इंटरव्यू। What are the areas where you cannot apply action research? तो हम इसका आंसर ले लेंगे सर्वे ऑफ स्कूल इन ए डिस्ट्रिक्ट। What is one of the following steps is not essential in action research? तो इसका आंसर होगा formulations of hypothesis. Think applied and action research are the types of research based on degree of utility. इसका हम ये select कर लेते हैं। What is the purpose of action research methodology? तो इसका answer इन चारों में से ये वाला हो सकता है। To solve a problem और टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म लोकल प्रैक्टिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वांटिटेटिव रिसर्च, तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं तो इसमें से हम इसको चुन लेते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। बेसिस ऑन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा द टाइप्स ऑफ रिसर्च आर टू, तो यहाँ पे हम चार में से ये वाला टू ऑप्शन चुन लेते हैं। There is no significant difference between the means score of achievement in fraction in mathematics of students before and after having topped by ICT integrated based method. Which type of hypothesis the statements represent? तो इसका आंसर हम null hypothesis ले लेते हैं। क्वेश्चन है experimental research is सिस्टमैटिक एंड डैश अप्रोच टू रिसर्च, तो इसमें जो चार ऑप्शन आ रहे हैं उसमें हम इसको साइंटिफिक ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ एक्शन रिसर्च, तो लिमिटेशन क्या है एक्शन रिसर्च की उसमें हम देख लेते हैं। तो लास्ट वाला हम ले लेते हैं नॉट क्वान्टिटिव वर्क बट कैन लीड अप टू द क्वान्टिटिव रिसर्च। द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ एक्शन रिसर्च, तो इसका जो आंसर है ये वाला हम ले लेते हैं
नॉट क्वांटिटेटिव वर्क बट कैन लीड अप टू ए क्वांटिटेटिव रिसर्च. विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इन द रिसर्च प्रपोजल. तो इसका आंसर हम ये ले लेते हैं, डाटा एनालिसिस, टेबल्स एंड ग्राफ्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज ए क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम. तो इसका हम आंसर ये वाला ले लेते हैं, एबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज. फ्रेंड्स आर मेंशन इन विच पार्ट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग. तो इसको हम आंसर ये ले लेते हैं, सप्लीमेंट्री. रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस विच इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप्स. तो इसका आंसर हम ले लेते हैं ये वाला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशंस ऑफ हाइपोथेसिस, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस एंड कंक्लूजन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. तो इसमें हम पहला ले लेते हैं, डिस्कवरी इज ए सिस्टमैटिक इन नेचर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, जो इनमें से सही नहीं है. डिस्कवरी इज ए सिस्टमैटिक इन नेचर, तो यही वाला हमें इसका गलत लग रहा है, सही नहीं है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव क्या होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव. तो इसका आंसर हम ये वाला ले लेते हैं, स्टडी द एक्शंस ऑफ पीपल टीचर्स टूवर्ड्स द कॉन्सेप्ट मैपिंग. अब हम इसमें अपने आंसर चेक कर लेते हैं कि हमारे कितने आंसर सही गए, हमने कोई भी आंसर स्किप नहीं किया है, और हम यहाँ पे सबमिट कर देते हैं. तो हमारे 16 आंसर लगभग सही हो गए, तो इसका मतलब है कि हमने एग्ज़ाम पास कर लिया है.